हाँ दोस्तों, तो वक्त आ गया है 10 से 12,000 के बीच के कुछ बढ़िया फोन्स का बैटरी टेस्ट करने का। इन्फिनिक्स नोट 10 है, यहाँ पे इन्फिनिक्स हॉट 10 एस है, माइक्रोमैक्स इन वन है, मोटो जी 10 पावर और हम सबका फेवरेट रेडमी नोट 10। तो आज करेंगे इन सारे फोन्स का धमाकेदार बैटरी ड्रेन टेस्ट, गेमिंग टेस्ट, हीटिंग, चार्जिंग, सब चीज के हमें पता चलने वाला है। अब देखो, इस सेगमेंट में और बहुत सारे फोन्स हैं जैसे पोको M3, रेडमी 9 पावर, ये सबको एक साथ इंक्लूड करना बहुत मुश्किल है, लेकिन उन बाकी फोन्स का अलग से सेम बैटरी टेस्ट मैंने किया हुआ है, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले भाई, 2 दिन लगने वाले हैं इस वीडियो को शूट करने में, तो भाई प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लो अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और लोगों तक हमारी वीडियो पहुंचाने में जरूर मदद करो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सारे फोन यहाँ पे 100% चार्ज्ड हैं, सारे फोन सेम वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड हैं, सारे फोन्स पे एयरप्लेन मोड भी मैंने ऑन किया हुआ है, सारे फोन्स पे जो भी लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट है वो इंस्टॉल्ड है, इन चारों फोन्स पे एंड्रॉइड 11 है, माइक्रोमैक्स इन वन अभी भी एंड्रॉइड 10 के साथ है। और पता है ये दिक्कत होती है नई ब्रांड्स के साथ, माइक्रोमैक्स ने वापसी तो कर ली है, फोन लॉन्च कर दिए हैं इतनी हाइप के साथ, लेकिन अभी भी यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं आया है, सिक्योरिटी पैच जो है वो भी अभी तक मार्च का चल रहा है। स्क्रीन्स की बात करते हैं तो रेडमी नोट 10 अकेला फोन है जिसमें हमें एमोलेड डिस्प्ले यहाँ पे मिलती है, बाकी चारों पे LCD डिस्प्ले है। इनमें से भी माइक्रोमैक्स इन वन और इन्फिनिक्स नोट 10 पे फुल HD है LCDs, बाकी दोनों फोन्स पे 720p LCD है, और इन्फिनिक्स हॉट 10S अकेला फोन है जिसमें हमें हाई रिफ्रेश रेट मिलता है 90Hz का। तो क्या रिफ्रेश रेट यहाँ पे मैंने ऑटो स्विच करा हुआ है, 90Hz का ऐसा हम कुछ यूज नहीं करने वाले हैं। बैटरीज की बात करते हैं तो मोटो जी 10 पावर और इन्फिनिक्स हॉट 10S में 6000mAh की है, बाकी तीनों फोन में 5000mAh है। तो टेस्ट का फॉर्मेट आपको पता ही है, सेम फॉर्मेट फॉलो करेंगे, सबसे पहले 2 घंटे का वीडियो प्लेबैक होगा यूट्यूब से, और हर बार की तरह इस कोने में आपको पता चलता रहेगा कौन कौन सी चीज यूज हो रही है हर राउंड में। अब एक्चुअल स्क्रीन क्वालिटी की बात करते हैं तो यहाँ ज्यादा समझाने की जरूरत मुझे नहीं है, रेडमी नोट 10 की स्क्रीन क्लियरली यहाँ पे बहुत ज्यादा बेटर है बाकी सारे फोन से। जो इसकी ब्राइटनेस है, जो कलर्स वगैरह यहाँ पे मिलते हैं, बिल्कुल अलग ही लेवल पे हैं बाकी सारे फोन से। बाकी सारे फोन में से माइक्रोमैक्स इन वन की स्क्रीन मुझे थोड़ी अच्छी लगी, फुल HD रेजोल्यूशन भी है, ब्राइटनेस भी अच्छी खासी है। सबसे खराब स्क्रीन यहाँ पे मोटो जी 10 पावर की लगी मुझे, एक तो 720p है और ऊपर से ब्राइटनेस लेवल्स भी ऐसे कुछ खास नहीं है। Redmi Note 10 और Infinix Note 10 दोनों पे हमें स्टीरियो स्पीकर सेटअप मिलता है, तो यहाँ पे दोनों से ही काफी अच्छी साउंड क्वालिटी आपको मिलती है। लाउडनेस Infinix Note 10 पे थोड़ी ज्यादा है, लेकिन वो बेस वाली फीलिंग Redmi Note 10 पे थोड़ी बेटर है। बाकी तीनों फोन्स पे सिंगल स्पीकर है, Moto G10 Power और Micromax इन वन का स्पीकर काफी हद तक सिमिलर सा ही है। सबसे खराब स्पीकर परफॉर्मेंस Infinix Hot 10S में है जिसमें बिल्कुल ही गायब है बेस। फिर वीडियो प्लेबैक के 2 घंटे खत्म हो चुके हैं, Micromax इन वन और Infinix Note 10 सबसे पीछे आ गए हैं, सबसे आगे Redmi Note 10 है। इससे आते हमारे नेक्स्ट पे जो है परफॉर्मेंस, सबसे पहले थोड़ा वार्म अप करेंगे Geekbench के साथ। प्रोसेसर्स आपको बताता हूं, माइक्रोमैक्स इन वन पे हीलियो G80 है, दोनों इन्फिनिक्स फोन्स पे हीलियो G85 है, सेम ही प्रोसेसर है दोनों। मोटोरोला G10 पावर पे स्नैपड्रैगन 460 है, रेडमी नोट 10 पे है स्नैपड्रैगन 678। तो Geekbench का पहला राउंड खत्म हो गया है, Redmi Note 10 ने यहाँ सबसे ज्यादा स्कोर किया है, सबसे कम स्कोर आया है Motorola G10 Power का। तीनों G80, G85 वाले फोन्स में आप देखोगे काफी हद तक बराबर स्कोर्स आए हैं। तो ये तो थी CPU परफॉर्मेंस, अब करेंगे GPU परफॉर्मेंस का टेस्ट, Antutu चला लेता हूँ। तो Antutu के पहले राउंड के स्कोर्स हमारे पास आ चुके हैं, सबसे ज्यादा स्कोर यहाँ पे किया है Redmi Note 10 ने, सबसे कम स्कोर ऑब्वियसली Moto G10 Power का है, यहाँ पे जो CPU GPU है दोनों ही सबसे ज्यादा वीक हैं। अब तीनों G80 G85 वाले स्कोर में से आप देखोगे Infinix Hot 10S में जो GPU स्कोर है वो यहाँ पे इसने कैलकुलेट ही नहीं किया है, उसको नॉट सपोर्टेड बोल रहा है ये, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए था, तीनों फोन्स पे सेम ही GPU आपको यहाँ पे मिल रहा है, तो आप मान सकते हो इसका जो नॉर्मल स्कोर होगा वो Infinix Note 10 के आसपास का ही होगा। बाकी आप देख सकते हो जो CPU स्कोर है उसमें Redmi Note 10 बहुत ज्यादा आगे है बाकी सारे फोन से, तो Snapdragon 678 ओवरऑल एक काफी तगड़ा
प्रोसेसर है, इन्होंने इतना टाइम लगा लिया है ये राउंड खत्म करने में, दो तीन बार रिपीट करने का टाइम ही यहाँ पे नहीं बचा है, सीधा आ जाते हैं सीपीयू थ्रॉटलिंग टेस्ट पे। तो थ्रॉटलिंग टेस्ट के 30 मिनट खत्म हो गए हैं। सबसे खराब परफॉर्मेंस यहाँ पे किया है Redmi Note 10 ने, जो 50% तक थ्रॉटल हो गया था। बाकी इन सारे फोन्स की एवरेज परफॉर्मेंस और थ्रॉटल परसेंटेज आपको ऊपर दिख रही होगी। माइक्रोमैक्स N1 ने भी काफी ज्यादा ड्रॉप करी थी अपनी परफॉर्मेंस। सबसे स्टेबल परफॉर्मेंस यहाँ पे Infinix Note 10 ने दिखाई है, इसकी एवरेज परफॉर्मेंस भी सबसे ज्यादा है। Infinix Hot 10s में परसेंटेज में ये थोड़ा आगे है, लेकिन इसकी मैक्सिमम परफॉर्मेंस जो है, एवरेज परफॉर्मेंस जो है, वो काफी कम है Note 10 से। पर एक चीज मैं नोटिस कर रहा हूँ, Infinix Note 10 में ना स्क्रीन ब्राइटनेस थोड़ी सी गिरी हुई है, वो चीज टेनएस में नहीं हुई है। बेंचमार्क राउंड्स खत्म करने से पहले फटाफट स्टोरेज टेस्ट भी कर लेते हैं। Redmi Note 10 को छोड़ के बाकी चारों फोन्स पे हमें यहाँ पे eMMC स्टोरेज मिलती है। तो आप देखोगे जो रीड राइट स्पीड्स हैं, बाकी सब पे 300 Mbps या उसके नीचे की हैं। Note 10 पे UFS 2.2 स्टोरेज है, तो यहाँ पे सीधा 500 Mbps के ऊपर की स्पीड आपको मिलती है। ओवरऑल स्कोर में भी आप देख सकते हो काफी ज्यादा आगे है ये। अब इसका फायदा हो जाता है, इसको ऐप ओपनिंग क्लोजिंग वगैरह थोड़ी तेज लगेगी आपको Note 10 पे। गेमिंग स्टार्ट करने से पहले ग्राफिक सेटिंग्स आपको दिखा देता हूँ। तो कॉल ऑफ ड्यूटी पे सिर्फ Redmi Note 10 पे हमें 60 FPS का ऑप्शन मिलता है, बाकी सारे फोन्स में हमें सिर्फ मैक्सिमम 30 FPS का ऑप्शन मिलता है। और इसमें भी Moto G10 पावर है जो वेरी हाई ग्राफिक्स का ऑप्शन देता है, ये तीनों फोन सिर्फ मीडियम ग्राफिक्स का आपको ऑप्शन देंगे। फिर 3 घंटे बाद ये है बैटरी परसेंटेजेस, सेम ट्रेंड अभी भी चल रहा है। Micromax N1 सबसे पीछे है, Redmi Note 10 सबसे आगे है। अब फटाफट चला लेते हैं Ashfall 9, गेमिंग राउंड स्टार्ट करते हैं। गेमिंग का 1 घंटा पूरा होने वाला है, हालचाल ले लेते हैं फोन्स के। रूम टेम्परेचर है इस टाइम 28.5 के अराउंड। Micromax N1 पे मैक्सिमम 44.5 के अराउंड चल रहा है। Infinix Hot 10s पे 42 के नीचे ही है। Infinix Note 10 पे भी 42 के अराउंड है। Redmi Note 10 में 40.5 तक दिख रहा है मुझे, और Moto G10 Power में भी 41.5 के नीचे ही है। हाथ से छूके Moto G10 Power तो बिल्कुल ठंडा ही है, Redmi Note 10 में भी बिल्कुल हीटिंग पता नहीं चल रही है। Infinix Note 10 बहुत हल्का सा गर्म फील हो रहा है कैमरा के पास से, Hot 10s थोड़ा सा ज्यादा गर्म फील हो रहा है, और सबसे ज्यादा गर्म Micromax N1 है। प्रॉपर यहाँ पे कैमरा के पास से गर्म है फोन। पीछे की साइड भी आप देख सकते हो 44 के अराउंड इस पे टेम्परेचर है। और ओवरऑल गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो देखो Moto G10 पावर को तो आप भूल ही जाओ, Snapdragon 460 बिल्कुल गेमिंग के लिए नहीं बनाया है। G80 5 पे आप ठीक ठाक गेमिंग यहाँ पे कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे भी लंबे सेशन अगर हम करते रहेंगे थोड़े बहुत फ्रेम ड्रॉप दिखने लगते हैं। और यहाँ पे स्पेशली मैं देख रहा हूँ जैसे Infinix Note 10 पे काफी ड्रॉप करी हुई है इसने अपनी स्क्रीन ब्राइटनेस, इससे बेटर इससे कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस तो Infinix Hot 10s पे भी मिल रही है। और Micromax N1 गरम ज्यादा हो रहा है, लेकिन अच्छी बात है इसने स्क्रीन ब्राइटनेस वगैरह नहीं गिराई है। Redmi Note 10 कैजुअल गेमिंग के लिए अच्छा है, स्क्रीन यहाँ पे सबसे ब्राइट है तो ज्यादा मजा आता है गेमिंग में, लेकिन इसकी ग्राफिक्स सेटिंग्स वगैरह देख के आप चकमा मत खा जाना। 60 FPS वैसे ही सपोर्ट करता है COD पे हाई ग्राफिक्स के साथ, लेकिन अगर आप एक्चुअली 60 FPS पे खेलने लगोगे तो काफी सारे फ्रेम ड्रॉप दिखते हैं। लेकिन नॉर्मल अपना 30 FPS 40 FPS वाला गेमिंग आप यहाँ पे आराम से कर सकते हो, और बाकी फोन से बेटर ही लगेगा इस पे। गेमिंग का 1 घंटा पूरा हो गया है, टेस्ट के 4 घंटे पूरे हो गए हैं, अभी सेम सही ट्रेंड चल रहा है। ये तीनों फोन 50s में है, ये दोनों फोन 30s में आ गए हैं। इससे चलते हैं अगले राउंड की तरफ। अब करेंगे वीडियो रिकॉर्डिंग टेस्ट, एक लास्ट राउंड हैवी टेस्टिंग का हमारा। Micromax N1 में हम सिर्फ 1080p 30 FPS वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, Moto G10 Power में 1080p 60 हम कर सकते हैं। दोनों Infinix के फोन्स पे आपको 2K वीडियो का ऑप्शन मिलता है। Redmi Note 10 अकेला फोन है जिसमें हम 4K 30 FPS कर सकते हैं रिकॉर्ड, लेकिन अभी के लिए सारे फोन्स पे फिर मैं 1080p 30 FPS करूंगा। तो वीडियो रिकॉर्डिंग का 1/2 घंटा भी खत्म होने वाला है, काफी हैवी सा टास्क होता है ये। और Redmi Note 10 सबसे गर्म दिख रहा है मुझे 45 के अराउंड है, बाकी सारे फोन्स 40-41 तक ही दिख रहे हैं। Micromax N1 भी वैसे 44 के पास है, तो हाथ से छूके अच्छे खासे गर्म लग रहे हैं ये दोनों फोन्स। Infinix के दोनों फोन्स और Moto G10 Power उतने गर्म नहीं है। और वीडियो क्वालिटी आपको यहाँ से देख के ही दिख रही होगी, Micromax N1 तो अलग ही कुछ लाल लाल सी वीडियो ले रहा है, Infinix Note 10 ने बिल्कुल ही डार्क कर रखा है सीन को। सेम हाल Moto G10 Power का भी है, यहाँ पे आप एक्सपोजर भी बड़ा घटा नहीं सकते हो। Redmi Note 10 और Infinix Hot 10s में बस ढंग की वीडियो आ रही है, और Redmi Note 10 अकेला फोन है जिसमें आप एक्सपोजर कंट्रोल कर सकते हो वीडियो का। 4.5 घंटे बाद ये हैं बैटरी परसेंटेजेस, Micromax N1 सबसे पीछे आ गया है 23% पे। खैर बहुत हैवी टेस्टिंग हो गई है, अब आ जाते हैं थोड़े से लाइट यूजेज पे, सोशल मीडिया राउंड अप चलाएंगे।
सोशल मीडिया के 2 घंटे खत्म हो गए हैं, टेस्ट को 6.5 घंटे हो चुके हैं, इन्फिनिक्स नोट 10 भी काफी पास है मौत के, बाकी तीनों फोन लगभग साथ साथ के ही चल रहे हैं। खैर सारे राउंड्स हम एक बार कंप्लीट कर चुके हैं। आपको पता है इस पॉइंट तक जो फोन पहुंच जाता है इस टेस्ट में, मतलब एक दिन आपका बहुत आसानी से उस पर कटेगा। अब वक्त आ गया है सारे राउंड्स हम रिपीट करेंगे। तो फाइनल दो फोन हमारे बिल्कुल साथ साथ ही डेड हो गए हैं। ये है फाइनल बैटरी ड्रेन रिजल्ट्स। यहाँ पे आप एवरेज बैटरी ड्रेन भी देख सकते हो इनका। सबसे स्लो स्पीड से ऑब्वियसली रेडमी नोट 10 बैटरी लूज कर रहा था, 5000 mAh के साथ भी 6000 mAh वाले फोन्स के जितना ही टिक जाता है। ऑब्वियसली इसको फायदा हो जाता है, एमोलेड डिस्प्ले है जो कम बैटरी खाती है और 60Hz रिफ्रेश रेट भी है। G10 पावर और हॉट 10S भी काफी स्लो स्पीड से बैटरी लूज करते हैं, बैटरी भी यहाँ पे बड़ी है और ऊपर से 720p डिस्प्लेज हैं तो कम बैटरी खाती हैं। लेकिन सबसे हैरानी की बात है माइक्रोमैक्स इन वन इतना तेज स्पीड से बैटरी लूज करता हुआ चलता है। और इससे आते हैं हमारे एनालिसिस पे। तो यहाँ पे इन्होंने हर राउंड में जितनी बैटरी लूज करी उसके हिसाब से मैंने ये देखने की कोशिश करी है कि अगर हम सेम राउंड रिपीट करते रहते तो ये फोन कितना टिक जाते। जैसे आप देखोगे अगर हम सिर्फ YouTube चलाते रहते तो Redmi Note 10 12 घंटे के ऊपर टिक सकता था, जबकि Micromax In1 7 घंटे में मर जाता। इसी तरीके से आप बाकी देख सकते हो बेंचमार्क गेमिंग कैमरा वगैरह में। और एक चीज आप नोटिस करोगे सोशल जो राउंड है और वैसे सारे राउंड आप देखोगे Micromax In1 सब में ही सबसे कम टिक रहा था। और इसका मेन रीजन ये है बाकी सारे फोन में हमें जो सॉफ्टवेयर स्किन्स मिलती है वहां पे कुछ फीचर्स होते हैं बैटरी ऑप्टिमाइजेशन के, कैसे बैटरी बचानी है। Micromax In1 में स्टॉक एंड्रॉइड मिलता है और मुझे लगता है Micromax ने अलग से कुछ भी एफर्ट यहाँ पे नहीं डाला है बैटरी ऑप्टिमाइज करनी है कैसे, रैम मैनेजमेंट कैसे करनी है। खैर बाकी आप देख सकते हो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज, इन्फिनिक्स नोट 10 और हॉट 10S में एकदम सेम प्रोसेसर है लेकिन जो बैटरी ड्रेन स्पीड थी इन्फिनिक्स नोट 10 में काफी तेज थी। और ओवरऑल देखो परफॉर्मेंस के मामले में बात करें तो G10 पावर सबसे ज्यादा पीछे आएगा, प्रोसेसर भी यहां वीक है, स्क्रीन भी उतनी अच्छी नहीं है। फिर आएगा इन्फिनिक्स नोट 10 जिसमें प्रोसेसर पावरफुल है लेकिन पता नहीं पूरे टाइम ये कुछ स्क्रीन ब्राइटनेस अपने इसने डिप करके रखी थी, हीटिंग वगैरह भी ज्यादा हो रही थी। फिर आएगा माइक्रोमैक्स In1 जो चलो बैटरी बहुत जल्दी खोता है लेकिन कम से कम स्क्रीन ब्राइटनेस वगैरह मेंटेन करके रखता है। और हॉट 10S मेरे हिसाब से नॉर्मल यूजेज के लिए इस टाइम 10,000 के अराउंड सबसे सही फोन लगा मुझे। लंबी बैटरीज की चलती है, हीटिंग वगैरह कुछ नहीं होती है और जो 90Hz रिफ्रेश रेट है उससे डेफिनेटली डे टू डे कामों में बहुत ज्यादा स्मूथ लगता है। Redmi Note 10 यहाँ पे मैं इनसे कंपेयर नहीं कर रहा हूँ Redmi Note 10 क्योंकि काफी महंगा फोन है बाकी सारे फोन से, लेकिन ऑब्वियसली Redmi Note 10 की मेन खासियत ये है कि AMOLED डिस्प्ले वहाँ पे है, तो चाहे 60Hz हो गेमिंग के लिए चाहे उतना पावरफुल नहीं हो लेकिन नॉर्मल यूज करने में बहुत प्यारा लगता है। तो ये हो गया बैटरी ड्रेन टेस्ट, अब करेंगे बैटरी चार्जिंग टेस्ट। चार्जिंग स्पीड्स यहाँ पे Micromax In1 Infinix Note 10 और Hot 10S पे 18W चार्जिंग का सपोर्ट है लेकिन Hot 10S में बॉक्स के साथ हमें 10W चार्जर मिलता है। G10 पावर पे 20W टर्बो चार्जिंग का सपोर्ट है और Redmi Note 10 पे 33W चार्जिंग है। तो आज तो डबल चार्जिंग थाली से ही काम चल जाएगा, टेस्ट स्टार्ट करते हैं। तो चार्जिंग का 1 घंटा पूरा हो गया है और बहुत ही स्लो से ही चल रहे हैं सारे फोन्स। नोट 10 सबसे आगे है 63% पे, सबसे पीछे इन्फिनिक्स हॉट 10S है जो 10W चार्जिंग पे चल रहा है। लेकिन आप देखोगे जो इसकी 10W चार्जिंग है और जो 18W चार्जिंग है बाकी फोन्स की, बहुत ज़्यादा फर्क उसमें ऐसा नहीं है। अब इनकी एक्चुअल बैटरी कैपेसिटी के हिसाब से कितना mAh ये चार्ज हुए हैं, कितना mAh ये हर मिनट चार्ज हो रहे हैं, वो सब आपको यहाँ पे लिखा दिखता रहेगा। पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं नोटिस कर रहा था, मैंने CPU टेम्परेचर यहाँ पे इनके चेक किए तो आप देखोगे इन्फिनिक्स नोट 10 और हॉट 10S पे कितना ज़्यादा है इस टाइम CPU टेम्परेचर। वैसे फोन में उतना पता नहीं चल रहा है लेकिन 70 डिग्री पे CPU बैठा हुआ है, बाकी फोन 45 के नीचे हैं। और फिर से यहाँ पे मुझे नोटिस हो रहा है इन्फिनिक्स नोट 10 में काफ़ी कम हुई हुई है स्क्रीन ब्राइटनेस।
फाइनली जाके लास्ट फोन हमारा फुल चार्ज हो गया है। तो ये है फाइनल बैटरी चार्जिंग रिजल्ट्स। और यहाँ देखो ज़्यादा बात करने को कुछ नहीं है, मेरे हिसाब से फास्ट चार्जिंग यहाँ पे सिर्फ रेडमी नोट 10 में हमें मिल रही है। बाकी फ़ोन्स की फास्ट चार्जिंग को फास्ट चार्जिंग बोलना मेरे हिसाब से वही जुर्म होना चाहिए। और ये चीज़ मेरे हिसाब से अब सबसे जल्दी इम्प्रूव करनी पड़ेगी फ़ोन मैन्युफैक्चरर्स को। देखते हैं कौन सी कंपनी भाई जिम्मेदारी उठाएगी इसको करने की। 15 वॉट, 18 वॉट, 20 वॉट चार्जिंग जो 3 घंटा ले रही है फ़ोन चार्ज करने में, और 1 घंटे में भी आप 30% अगर चार्ज कर रहे हो तो क्या ही बात की फास्ट चार्जिंग हुई वो। और चलो समझ आता है बैटरी भी बड़ी है, चलते भी ज़्यादा लंबे हैं, पर कम से कम इतना तो होना चाहिए कि इमरजेंसी सिचुएशन में अगर आप हो भाई 15 मिनट 20 मिनट अगर आपको फोन चार्ज करना हो या आधा घंटा में कम से कम 30% 35% आपका फोन हो जाए। इससे बात करते हैं फाइनल रिजल्ट्स की। तो देखो माइक्रोमैक्स इन वन को छोड़ के बाकी सारे फोन्स आपको बहुत शानदार बैटरी लाइफ दे रहे हैं। ये फोन बुरा नहीं है, पर मुझे लगता है कि ऐसा कुछ रीजन नहीं है इसको अलग से खरीदने का। अभी सॉफ्टवेयर अपडेट्स वगैरह का भी सीन कुछ पता नहीं है, और सेम प्राइस में आपको बाकी कंपनीज भी सेम से स्पेक्स दे देंगी। मोटो जी 10 पावर मैं कहूंगा उन लोग के लिए है जिनको परफॉर्मेंस शायद थोड़ी कम चल जाएगी, लेकिन कैमरा एक्सपीरियंस उनको ज्यादा अच्छा चाहिए। अपने प्राइस में ये इस टाइम अकेला फोन है शायद जो 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा हमें देता है। वैसे पूरा कंपैरिजन डिटेल कैमरा रिव्यू अगर आपको इसका देखना है वो आपको यहाँ मिल जाएगा। रेडमी नोट 10 यहाँ पे सबसे महंगा फोन है, और ऑब्वियसली अगर आप 12-12.5 हज़ार तक खर्च कर सकते हो तो फिर बहुत ही अच्छा ऑप्शन है ये। लेकिन वही बात है, अगर आपको गेमिंग ज्यादा करनी है तो फिर पोको M2 प्रो या नार्जो 20 प्रो जैसे फोन्स आपके लिए ज्यादा अच्छे रहेंगे। इनफिनिक्स नोट 10 मुझे ज्यादा पसंद नहीं आया, कुछ भी यहाँ पे नया नहीं किया है इनफिनिक्स ने। मतलब स्टीरियो स्पीकर्स है बस, वो एक अच्छी चीज है, पर उसके अलावा जैसा हमने देखा काफी ज्यादा आज ये गर्म हो रहा था और स्क्रीन ब्राइटनेस भी इसने काफी लो करके रखी हुई थी ज्यादातर टाइम, तो इसको आप इग्नोर कर सकते हो। और इससे बेटर तो मुझे लगता है इनफिनिक्स हॉट 10S है। स्क्रीन आपको फुल HD की जगह 720p से काम चलाना पड़ेगा, लेकिन उसके अलावा जो बैटरी लाइफ यहाँ पे मिल रही है, जो परफॉर्मेंस यहाँ पे मिल रही है काफ़ी अच्छी है। प्लस 90Hz रिफ्रेश रेट मिलता है यहाँ पे, और मैंने इसको अपने फ़ोन की तरह पर्सनली यूज़ भी किया था, फुल रिव्यू मैंने किया था, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और डेफिनेटली मुझे लगता है अंडर 10 हज़ार का सबसे एक स्मूथ परफॉर्मेंस वाला फ़ोन है इस टाइम ये। देखो बाकी कुछ जो फोन्स हैं, पोको M3 है, रेडमी 9 पावर है, या जो भी स्नैपड्रैगन 662 वाले फोन्स हैं उनको मैंने कंसिडर यहाँ पे नहीं किया है, क्योंकि स्नैपड्रैगन 662 काफ़ी वीक सा प्रोसेस है। इनफैक्ट अगर आपको एक अच्छी परफॉर्मेंस वाले फोन चाहिए 10 हज़ार के बजट में तो नार्जो 30A आप कंसीडर कर सकते हो। इस टाइम 8-8.5 हज़ार में आपको वो मिल जाएगा, वो डेफिनेटली एक काफी बढ़िया फोन है। पर खैर अभी इस वीडियो के लिए इतना ही, आप बताओ आपको कैसे लगी इन सारे फोन्स की परफॉर्मेंस, और होप करता हूं कि आपके कुछ जो डाउट्स थे वो क्लियर हो गए हो। और कुछ सवाल है आपके मन में इन फोन्स के बारे में, और क्या कंटेंट देखना है इन फोन्स पे भाई नीचे कमेंट करो, ट्विटर पे आके आपसे डायरेक्ट बात कर सकते हो। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।